जहां मन और बुद्धि दोनों का समन्वय करती है। दो यंत्र है, उसके बाद जो दिल से जोड़ने की क्रिया जो है उसमें इस गहराई से ले जाऊंगा। और मैं यहां कहूंगा आपके जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, ये कष्ट का निवारण कैसे करें उसकी बात करूंगा। यहां मैं कोई वार्ता करने के लिए बैठा नहीं हूं, मगर हां उस आध्यात्मिक जगत की उस क्रिया से लेकर के, उस आध्यात्मिक जगत की उस देवी देवताओं को लेकर के हम जो बातें करते हैं, तो एक भगवान विष्णु, उनके कई अवतार हैं, और उस अवतार में हम यहां एक मत्स्य अवतार हम कहते हैं, कछुआ अवतार कहते हैं, उसमें जो कष्ट को निवारण के लिए जो कुर्म अवतार का एक विशेष प्रयोग है वो मैं बताने जाऊंगा। कुर्म कछुआ, आप देख रहे हो कि ये कछुआ अपने आप में कितना सरल, शांत और किसी से कोई लेना देना नहीं, एक कछुआ अपना कार्य करते रहता है अपने मस्त में, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं है, कोई किसी के पास कुछ मांगता नहीं है, और जब कष्ट आता आ जाता है अपने ऊपर तो उस कष्ट का सामना भी कर लेता है, और एक क्रिया ईश्वर ने उसको प्रदान की है। जब एक क्रिया ईश्वर ने प्रदान की है तो आप खुद समझो कि कछुए के पास कैसी अद्भुत शक्ति होगी, और वो शक्ति अगर आपको प्राप्त हो जाए तो क्या आप कष्ट से मुक्त नहीं हो पाओगे क्या? जरूर हो पाओगे। उस कछुए में आप देखो शांत रूप से चलता है। जब ये कछुआ कोई भी आसपास नहीं है, वो सुरक्षित समझता है, तब वो अपना मुंह बाहर निकाल करके सब चीज को देखता है। आप ये भी देखो कि जब कछुआ अपने आप में जो अपनी परिस्थिति को संभालने की क्रिया रख सकता है, तो कछुए से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं? तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया, और आप ध्यान से सुनना इस बात को, आप अपने जीवन में अपनाना, आप अपने जीवन में इस बात को लिख करके रखना, और आपके जीवन में जब भी कष्ट आए तो इसका उपयोग करना, आप खुद करना, खुद बच्चों को भी करवाना, परिवार को भी करवाना, समाज को भी करवाना, और मैं तो कहता हूं पूरा विश्व इसका प्रयोग करेंगे तो उसका फल उसी वक्त मिलेगा। ईश्वर ने हमारे पास इस शक्ति दी है, मगर शक्ति का उपयोग कैसे करना वो मैं आज बताने जा रहा हूं। कछुआ को देखो तो उसके चार पैर हैं, और उसका मुख जो है इतना सुरक्षित है कि कुछ भी हो जाता है तो वो मुख को अंदर ले लेता है। तो यहां ये प्रयोग जो है मन और बुद्धि की बात में कर रहा था, ये प्रयोग है बिल्कुल दिल से करने की जरूरत है। वहां मन और बुद्धि दोनों अपने आप में ऐसी क्रिया करेंगे कि जहां दिल का भाव, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव जब निकलेगा तो अपने आप में इसका जो ये प्रयोग है, इसकी जो शक्ति है, वो गुरु परंपरा में जो सीखने को मिली है, कई संतों के पास मुझे इसका ज्ञान मिला है, तो वो ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूं। आपको जंगल जंगल और तीर्थ स्थानों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ज्ञान मैं भटक करके जो मैंने सीखा है, जो गुरु की डांट खा करके जो मैंने सीखा है, जो संतों की बातों को सुन करके जो मैंने सीखा है, मैं ये आपको बांट रहा हूं, क्योंकि आपका जीवन सुखी हो,
आपके जीवन में जो कष्ट आए तो कष्ट आप अपने आप में परिवार के सामने दो आंसू निकालोगे तो हंसेगा, वो सामने कुछ नहीं बोलेगा, मगर जब वो बाहर जाएगा, वो जब बाहर जाएगा तो सामने उस चीज को लेकर के हंसेगा, देखो इसके कर्म कैसे है। वो जब आपके आंसू जगत के सामने बाहर निकालोगे तो हंसी होगी, जगदीश से सामने बाहर निकालोगे तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो एक क्रिया जो मैं बता रहा हूं अपने आप खुद करो, कुर्म मुद्रा कछुआ, उसमें इष्ट देव या कुल देव, मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूं उस प्रयोग में आप ध्यान से सुने, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसको याद करें, चाहे भगवान राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, हनुमान जी के प्रति, बटुक भैरव के प्रति, कुल देवी के प्रति, किसी के भी प्रति, जहां आपकी श्रद्धा है उसको याद करें। याद करने के बाद देखो आपके दो हाथ हैं, एक हाथ में पांच उंगलियां हैं और इस उंगलियों दोनों हाथों को आपको कछुआ बनाना है। कैसे बनाओगे? तो पहले तो आप देखो इस हाथ का जो अंगूठा है उस अंगूठे को ये दो पीछे की दो हाथ उंगली और आगे की दो उंगली उसके बीच में अंगूठे को डाल दो और इस अंगूठे को डाल दोगे तो आप देखोगे ये पूरी मुद्रा जो है, ये जो पूरी मुद्रा है ये कछुए की प्रकार बन गया, यानी कि दोनों आप देखो जब कछुआ चलता है तो इसी रूप से चलता है, इसका मुख, इसका दो आगे दो पीछे इसी रूप से, और ऐसे ही लेफ्ट में बना देना है इस रूप से। अब देखोगे ये मुद्रा बन गई, ये ध्यान से समझ लेना, आप खुद करना, एक रुपये का खर्चा नहीं है इसके अंदर। और जब आप इस मुद्रा को करोगे तो आपकी जो नाभि है उस नाभि के सेंटर इस तरह रहना चाहिए, नहीं के ऊपर नहीं के नीचे, इस रूप से। और जब ये प्रयोग आप करोगे तो आपके इष्ट देव का ध्यान करते हुए नमः 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 ऐसे नमः नमः करते हुए उसका मुख रूपी जो अंगूठा बाहर निकला है उसको घुमाते रहना है और आपके हृदय में हृदय से जो भाव करना है कि हम इष्ट देव के पास जा रहे हैं, ठीक है। और एक कम से कम एक मिनट करना है, ये पहला प्रयोग। उसके बाद दूसरा प्रयोग क्या है, आपने एक प्रयोग कर लिया इष्ट देव का नमः 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 करके, फिर उसी को ये अंगूठे को आपके अंदर रख देना है। जैसे कछुआ को कोई समस्या आ गई तो कछुआ क्या करता है, अपने मुंह को अंदर कर देता है, तो ये देखो मुंह अंदर हो गया, और फिर उसको आप अंदर से कर देना है, दोनों अंगूठे को अंदर, दोनों अंगूठे के अंदर कर देना है। तो फिर ये क्या हुआ, ये हो गया रक्स, यानी कि आपका जो मुख है पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन हो गया। फिर उसको अंदर करके फिर उसके बाद मंत्र बोलना है जो पहले नमः बोला था, उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ रक्स 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 रक्स, इसका मतलब हे प्रभु हे इष्ट देव हमारी रक्षा करे, रक्स 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 रक्स, एक कम से कम एक मिनट करना है, एक मिनट पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग रक्स 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 रक्स। फिर इसके बाद एक मिनट करने के बाद आपको एहसास होना, आपको एहसास करना है जो समस्या में मैं घेरा हुआ हूं उससे मुझे मेरे इष्ट मेरी रक्षा कर रहे हैं, और फिर उसको आगे धीरे 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 आप करोगे। तो ये अंगूठे को जो बाहर निकाला आपने पुनः, तो उस वक्त क्या करना है, आपकी जय हो 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 आपकी जय हो, इस रूप से एक मिनट, यानी कि कम से कम 3 से 4 मिनट का प्रयोग है जो आपकी समस्या है उसको निवारण करने के लिए। ये 3 से 4 पहला प्रयोग क्या है, एक दोनों आपके पांच जो चार उंगली है उसके बीच में अंगूठा डाल के कछुए की प्रकार का ये मुद्रा बना देने, कछुआ पहला हो गया, नमः नमः
नमः, दूसरा रक्ष रक्ष रक्ष, पुनः उसी कछुआ मुद्रा। यानी कि कछुआ जब रक्षा प्राप्त करने के लिए फिर सोचता है कि कुछ है कि नहीं, तो अंगूठा उसका मुख बाहर निकालता है। जैसे बाहर निकला, हमारी रक्षा प्राप्त हो गई, बाहर निकाला और पुनः जय हो जय हो जय हो जय हो। ये कम से कम 3 मिनट, 1-1 मिनट कह के पूरे, फिर 4th मिनट दोनों हाथ को प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं जो कष्ट में हो उस कष्ट से मुक्त प्राप्त कर, मुक्ति हो, ये कष्ट से मुझे मुक्ति मिले। और ये मुद्रा जो है कछुआ मुद्रा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको ऐसा अनुभव होगा कि मुझे मेरी समस्या से रक्षा मिली। देखो ये हजारों साल संतों ने, आचार्यों ने साधना करके, रिसर्च करके प्राप्त किया है। हजारों साल तपस्या करके, आपके जैसे कि अभी एक कोविड आया तो कोविड का वैक्सीन बनाने में कितना टाइम लगा, मलेरिया डेंगू जितने रोग आए तो उसी दूसरे दिन उसकी दवा नहीं मिली, हजारों लाखों लोग मर गए। उसके बीच में साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके बीच में संशोधन किया, इसके बीच में कुछ दवा प्राप्त करने का संशोधन, दवा प्राप्त की संशोधन किया और बाद में समाज को दिया। जब समाज को दिया और समाज उससे सुरक्षित प्राप्त हुए, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जगत के वैज्ञानिकों ने, जिसको हम संत कहते हैं, जिसको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया कि हम जिस देवताओं की पूजा करते हैं, उन्होंने देखा कि कछुआ कितना सुरक्षित है और कितने साल जिंदा रहता है, उसको कोई आसानी से मार नहीं सकता। अगर कोई उसको मारने की कोशिश करे तो इसके ऊपर ढाल जैसा बिल्कुल इतना स्ट्रांग बना के रखा है कि उसको तोड़ नहीं सकते, उसके ऊपर गाड़ी भी चली जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। वैसे हमारे जीवन में कितने भी मुश्किलें आए, उस मुश्किल से दूर रहने, रक्षा प्राप्त करने के लिए एक कुर्मा मुद्रा जो है, कछुआ मुद्रा के साथ अपने इष्ट देवता की जो हम पूजा करते हैं, ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करने से अपने आप में रक्षा प्राप्त होती है। अभी आप मुझे बताओ, ये सीधा सादा सरल कछुआ हमारे जीवन में रक्षा प्राप्त कर सकता है कि नहीं, हमारे जीवन में रक्षा दे सकता है कि नहीं? मैं कहता हूं हर घर सुखी होगा, हर गांव सुखी बन जाएगा, हर देश सुखी बन जाएगा, अगर हमारी सनातन धर्म की उस परंपरा का, उस ऋषि मुनियों का संशोधन का, इस साधन का अगर उपयोग किया जाए। देखो कष्ट तो सबको आने वाला है, भगवान को भी कष्ट आया, मगर कष्ट से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो आपको आनी चाहिए। कष्ट आए तो आपके कर्म के अनुसार कष्ट मिलने वाला है, मगर उसी कर्म के साथ जो कष्ट मिला वैसे ही कर्म ऐसा कीजिए कि वो कष्ट से बाहर निकल पाए। हमें देवी देवता की पूजा आराधना क्यों करते हैं? देवता का मतलब देने वाला, देवता का मतलब है कि कुछ आपकी रक्षा करे, और इसीलिए तो हम सुबह पूजा पाठ दीप अगरबत्ती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में रक्षा हो, प्रभु हमारा जीवन जो है वो हमारे बच्चे रक्षा में बने। तो एक कछुआ मुद्रा जो है इसका उपयोग करें, इसको अपने जीवन के अंदर एक कछुआ मुद्रा को अपने आप में अपनाए। कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ये 3 से 4 मिनट का प्रयोग अगर करके आप जाओगे ना घर से बाहर, आप देखो पूरे जीवन, अगर आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है तो वहां रक्षा मिल जाएगी, अगर आपके व्यापार में कुछ घाटा होने वाला है तो वहां रक्षा मिल जाएगी, अगर आपके पढ़ाई जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के अंदर कुछ उसको नुकसान होने वाला है तो वहां रक्षा हो जाएगी, आपके पैसे कहीं बर्बाद होने वाले वहां रक्षा हो जाएगी। आप करके तो देखो,
मैंने यहाँ आपको नहीं बोला कि भाई आप मुझे लाख लाख रुपया या एक एक पाउंड या आप सौ सौ पाउंड भेज दो तो मैं एक ज्ञान बताऊं। मैं तो ज्ञान ये चैनलों के माध्यम से आपको फ्री में बांट रहा हूं, और ये ज्ञान खुद करके देखो और इससे कुछ लाभ हो तो सिद्धाश्रम का संपर्क करना, चाहे हमारे गुजरात का हो या इंग्लैंड का हो, हमारे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के माध्यम से आपके प्रश्न आप भेजना। आप प्रश्न जो प्राप्त होगा उससे मैं अगले एपिसोड में इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और ये जो मेरा आज का जो प्रयोग है, जो मैंने ये प्रयोग बताया, मैं आपसे निवेदन करता हूं उसका सदुपयोग करें, आपका जीवन धन्य बनाए, आपका जीवन सुरक्षित बनाए, आपके जीवन आगे बढ़े, धीमी मंद गति चाल से आगे बढ़े, मगर कछुए की तरह एक ऐसा समय आ जाए कि आप शिखर के ऊपर चढ़ जाए। प्रभु से इतनी प्रार्थना करता हूं। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। अस्तु।